आप देख रहे हैं सियासत। यूपी गेस्ट हाउस कांड, जिसे भारतीय राजनीति में कभी भूला नहीं जा सकता। जब पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पार्टी की मीटिंग में दूसरी पार्टी के लोग हमला करने पहुंचे थे और पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत, जिसमें आज हम बात करेंगे साल 1995 में मायावती और उनकी पार्टी के विधायक पर हुए हमले के बारे में। साल 1995 में यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही थी। 1 जून 1995 को यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे। तभी कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने मुलायम सिंह यादव की तरफ एक पर्ची बढ़ा दी। पर्ची में लिखा था कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन सरकार से अलग हो सकती है। पर्ची बढ़ते ही मुलायम सिंह यादव का रुख बदल गया। उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहें, और पार्टी की बैठक वहीं खत्म हो गई। दो जून 1995 को मायावती लखनऊ के गेस्ट हाउस में पार्टी के विधायकों से मीटिंग कर रही थीं। वो पार्टी के अगले कदम के बारे में विधायकों से राय मशविरा कर रही थीं। उसी समय समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक और जिला स्तर के कार्यकर्ता गेस्ट हाउस में पहुंच गए। उन लोगों ने गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। बहुजन समाज पार्टी के कई विधायक पीटे गए। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बीएसपी विधायकों को बंधक बना लिया। इस पूरे हंगामे से घबराकर मायावती ने खुद को गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद कर लिया। उसी दौरान तत्कालीन बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती को समाजवादी पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ताओं से बचाया था। कहा जाता है कि अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी वक्त पर नहीं पहुंचते तो समाजवादी पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ता मायावती के साथ भी मारपीट कर सकते थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बंदूक और लाठी डंडों से लैस होकर गेस्ट हाउस पर धावा बोला था। उन्होंने गेस्ट हाउस की बिजली और टेलीफोन लाइन काट दी थी। उस वक्त अखबारों में लिखा गया कि समाजवादी पार्टी के करीब 300 कार्यकर्ताओं की अगुवाई पार्टी के दर्जन भर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले विधायक कर रहे थे। यूपी की राजधानी में सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया था। मायावती उनके चंगुल से किसी तरह से बच पाई थी। तीन जून 1995 को यूपी कांग्रेस के दबाव में आकर तत्काल प्रधानमंत्री वीपी नरसिंहा राव ने मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मुलायम सिंह को अपना बहुमत साबित करने का मौका भी नहीं दिया गया। उसी शाम मायावती ने बीजेपी और जनता दल के बाहरी समर्थन से यूपी के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। तो यह थी यूपी के गेस्ट हाउस कांड की कहानी। इसी तरह के और सियासी कांड के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम सियासत।